साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हमारे एमएसएमईज भारत की आत्मनिर्भरता के विराट लक्ष्य की प्राप्ति का भी बहुत बड़ा माध्यम है। एक समय था जब पहले की सरकारों ने इस सेक्टर की शक्ति पर भरोसा नहीं किया, इस सेक्टर को एक तरह से बांध दिया था, उनके नसीब पर छोड़ दिया था। वे अपने बलबूते पर कुछ कर पाए तो कर ले, उनको कोई अवसर मिल जाए तो कुछ आगे बढ़ ले। हमारे यहां छोटे उद्योगों को छोटा बनाकर रखा जाता था, भले ही उनमें कितनी संभावना क्यों ना हो। छोटे उद्योगों के लिए इतनी छोटी परिभाषा तय की गई थी कि आप सब पर हमेशा से दबाव रहता था कि इससे ज्यादा व्यापार किया तो जो फायदे मिलते हैं वो मिलना बंद हो जाएंगे। इसलिए स्कोप था तो भी बढ़ना नहीं चाहता था, अगर बढ़ता था तो कागज पर था नहीं देता था, छुप छुप करके थोड़ा बहुत कर लेता होगा। आपकी बात मैं नहीं बताता हूं, वो तो औरों की बात बता रहा हूं। आप लोग कभी बुरा नहीं कर सकते, आप लोग तो अच्छे लोग हैं। और इसका एक बड़ा दुष्प्रभाव रोजगार पर भी पड़ता था। जो कंपनी ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकती थी वो भी ज्यादा रोजगार नहीं देती थी, ताकि वो सूक्ष्म और लघु उद्योग की सीमा से बाहर चली जाती थी। तो उसको टेंशन रहता था कि भाई इससे नंबर बढ़ना नहीं चाहिए। इस सोच और इन नीतियों की वजह से कितने ही उद्योगों का विकास और प्रगति रुक गई थी। हमने इस रुकावट को दूर करने के लिए एमएसएमई की परिभाषा को बदल डाला और साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की जरूरतों को भी ध्यान रखा। हमने ये सुनिश्चित किया कि उद्यम आगे भी बढ़े और उन्हें जरूरी लाभ और सहायता भी मिलती रहे। अगर कोई उद्योग आगे बढ़ना चाहता है, विस्तार करना चाहता है, तो सरकार न केवल उसे सहयोग दे रही है बल्कि नीतियों में जरूरी बदलाव भी कर रही है। आज होलसेल व्यापारी हो, रिटेल व्यापारी हो, रिटेल वेंडर्स हो, ये सभी एमएसएमई की नई परिभाषा के अंतर्गत प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत लोन का लाभ ले रहे हैं। और आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के बीच के अंतर को भी दूर किया गया है। आज जेम के माध्यम से सरकार को सामान और सेवाएं मुहैया कराने के लिए एमएसएमई को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल चुका है। और मैं सभी आप साथियों से और आपके माध्यम से आपके सभी एसोसिएशन को, एमएसएमई सेक्टर में हो छोटे छोटे लोग को जुटा, आप जेम पोर्टल में रजिस्ट्री करवा ही दीजिए। एक बार जेम पोर्टल में है तो सरकार को कुछ भी खरीदना है तो पहले वहां जाना ही पड़ेगा। आप कहेंगे कि मैं नहीं दे पाऊंगा तो फिर कहीं और जाएंगे। इतना बड़ा निर्णय, और सरकार एक बहुत बड़ा खरीदार होती है, उसको अनेकों चीजों की जरूरत पड़ती है और उसे ज्यादातर उन चीजों की जरूरत पड़ती है जिसको आप उत्पादित करते हैं। और इसलिए मैं चाहता हूं कि जेम पोर्टल पर एक मिशन मोड में आप अभियान चलाइए। आज करीब 50-60 लाख लोग उस पर जुड़े हुए हैं जो विक्रेता हैं। ये 2-3-4 करोड़ लोग क्यों नहीं हो सकते हैं, ताकि सरकार भी, उसको भी चॉइस रहेगा कि किस प्रकार से चीजें ली जा सकती हैं। देखिए, पहले सरकारी खरीद में एमएसएमई को कदम जमाने की कितनी मुश्किलें आती थी। उसके लिए बड़ी मुश्किल होता था कि इतना बड़ी रिक्वायरमेंट, इतना बड़ा टेंडर, मैं कहां जाऊंगा। वो बेचारा किसी और को दे देता था, वो जाके देता है। अब जरूरी नहीं है।
अगर आप एक थर्मोस भी बेचना चाहते हैं, एक थर्मोस, तो भी जेम पोर्टल से ये देश खरीद सकता है, सरकार खरीद सकती है। मुझे मेरी ऑफिस में एक बार एक थर्मोस की जरूरत थी, तुम जेम पोर्टल पे गए तो तमिलनाडु के गांव की महिला ने कहा कि हम मैं दे सकती हूं, और पीएम ऑफिस में तमिलनाडु के गांव से थर्मोस आया, उसको पेमेंट मिल गया, थर्मोस से मुझे गर्म चाय भी मिल गई, उसका भी काम हो गया। ये जेम पोर्टल की ये ताकत है, और ये आपके फायदे के लिए है। आपको इसका जितना फायदा उठा सकते उठाना चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो निर्णय किया है, 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में अब ग्लोबल टेंडर नहीं करना, ये हमारी सरकार का निर्णय है। इसका मतलब एक प्रकार से आपके लिए रिजर्वेशन हो गया है। वो अब ये ना हो कि भाई 200 करोड़ तक तो लेना नहीं है, तो जैसे भी तो मोदी जाएगा कहां, उसको तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा मत कर रहा, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज मत कर रहा। आप ऐसा करके दिखाइए कि सरकार को निर्णय करने के लिए मजबूर होना पड़े कि आज तो आपने 200 करोड़ किया है, आगे से 500 करोड़ का प्रतिबंध लगा दीजिए, हम 500 करोड़ तक देने के तैयार हैं। हम एक हेल्दी कंपटीशन की ओर जा रहे हैं। साथियों, ग्लोबल मार्केट में भी एमएसएमई उद्योग देश का परचम और ऊंचा लहराए, इसके लिए निरंतर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी दिशा में फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर्स, इनके लिए इनिशिएटिव लिए गए हैं, आर्थिक मदद हो, सर्टिफिकेशन से जुड़ी मदद हो, ये सुविधाएं एक्सपोर्ट प्रोसेस को फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट के लिए और आसान बनाएगी। और मैं तो चाहूंगा कि हमारे अधिकतम लोग ग्लोबल मार्केट की तरफ नजर करें। आप ये चिंता मत कीजिए कि आपकी फैक्ट्री बहुत छोटी है, आप चीज बहुत छोटी बन, चिंता मत कीजिए, आप खोजते रहिए, दुनिया में कोई तो होगा जो इसके इंतजार में होगा। और मैंने तो मेरे मिशन को भी कहा है विदेश विभाग में कि अब विदेश विभाग डिप्लोमेटिक जो काम करते आए हैं करें, लेकिन तीन चीजें उनको करनी ही पड़ रही है। हर मिशन को मैंने कहा है, मैं मिशन का मूल्यांकन तीन बातों को जोड़ करके करूंगा, एक ट्रेड, दूसरा टेक्नोलॉजी और तीसरा टूरिज्म। अगर आप उस देश में भारत के प्रतिनिधि है तो आपको ये बताना होगा हिंदुस्तान से कितना सामान उस देश ने इंपोर्ट किया, ये हिसाब किताब रखूंगा। दूसरा मैंने कहा है उस देश के पास कोई बढ़िया टेक्नोलॉजी है तो उसको आप हिंदुस्तान में लाए कि नहीं लाए, क्या कोशिश की, ये नापा जाएगा। और तीसरा, उस देश से कितने लोग भारत देखने के लिए आए। ये 3 T जो है ना, आज मिशन पूरे लगे हुए हैं, लेकिन अगर आप उस मिशन का संपर्क नहीं करोगे, आप नहीं बताओगे कि हाँ वहां ये बनाते हैं, आपके देश में वहां ये जरूरत है, तो फिर वो मिशन वाले भी क्या करेंगे। सरकार आपकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन आप भी अपने गांव में, अपने राज्य में, अपने देश में बेचने के बजाय आपकी ब्रांड दुनिया में जाए, ये सपने लेकर के आज यहां से जाना है।